अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और जी, कल के व्लॉग में मैंने आपका रसिक का सारा टूर शेयर किया था, और अभी मैं आपको लेके चल रही हूँ होटल। तो होटल का टूर दूंगी, और बहुत ही अच्छा ये होटल था। शौकत आलम रोड पर होटल है ये, और होटल का नाम है अलफतेह, न्यू अलफतेह होटल। बुकिंग हमारी पहले से थी, क्योंकि नेट पे ऑनलाइन हमने देख लिया हुआ था और उधर से ही बुकिंग करा ली थी, और पहले भी एक दफ़ा यहाँ पर रह चुके हैं। तो ये देखें, इस तरीके से इन्होंने बिल्डिंग्स दो आपस में आमने सामने ली हुई हैं, और उधर होटल का जो है इन्होंने बनाया हुआ है। तो ये बहुत ही रीज़नेबल एक होटल है, और सबसे इसकी मज़े की बात ये है कि इसमें ब्रेकफास्ट जो है वो उन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। और इसके रेट मैं आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि ब्रेकफास्ट बुफे है, और रेट इस कदर मुनासिब है। वो है 4000 पर नाइट, और उसके अंदर ब्रेकफास्ट आपका इंक्लूड है। और आगे चल के मैं आपको इनका बुफे भी दिखाऊंगी जो ब्रेकफास्ट वाला है। तो मेरे ख्याल में एक बहुत ही रीज़नेबल ये होटल है, क्योंकि इतना तो आपका ब्रेकफास्ट का बाहर से आप लेते हैं तो वो भी लग जाता है। तो मैं अब आपको रूम दिखाती हूँ। ये इनकी गैलरी है, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, और अच्छी डेकोरेट हुई थी, साफ़ सुथरा होटल था। तो ये इसका रूम है। तो हमने ग्राउंड फ्लोर पे रूम लिया था, और ऊपर इसके 3 फ्लोर्स हैं इस बिल्डिंग के, और इसके सामने भी वाली बिल्डिंग के भी ऐसे हैं। तो 3 रूम, ये जो रूम लिया हमने 3 बेड वाला लिया है, क्योंकि बच्चे भी साथ हैं। और ये बड़ी सी कबर्ड है, LCD है, और साथ में जो इनका पहले फर्स्ट ड्रेसिंग एरिया है, जिसका 2 चेयर्स, टेबल और ड्रेसिंग जो है वो दीवार में ही फिट है। तो अच्छा था, नीट था, और ठंडा भी था बहुत ज़्यादा। AC भी लगा हुआ था, लेकिन मौसम क्योंकि काफ़ी चेंज हो रहा है तो ठंडा था काफ़ी, तो मुझे अच्छा लगा। और ये बाथरूम है इसका, वो भी क्लीन था। तो मेरे ख्याल में 4000 की रेंज में ये होटल ज़बरदस्त है। तो खैर, आते ही 7 दोपहर में हम पहुँचे थे, और मैं तो सो गई थी फ़ौरन, 1-1.5 घंटे के लिए रेस्ट कर लिया था। और उसके बाद जो है फिर शाम में हम गए थे पैकेजेस मॉल। तो उसकी वीडियो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, ताकि मैं इस तरह वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो अभी है शाम का टाइम, तकरीबन 4-4:30 बजे मैं उठी थी, और अब अपने लिए मैं चाय बना रही हूँ। टी बैग एवरी डे हमारे साथ थे, क्योंकि चाय के बगैर तो जो है बिल्कुल नहीं थकावट उतरती, तो चाय का इसलिए मैं अरेंजमेंट अपने साथ करके आई थी। और बस ये पानी बॉईल करके मैंने रख दिया था, बाकी सब जो है इस टाइम सो रहे हैं। तो बस अपने लिए मैं चाय बना रही हूँ, और चाय पीने के बाद ही फ़ौरन जो है मैं तैयार हो गई थी, और फिर हम लोग शाम को पैकेजेस मॉल चले गए थे, क्योंकि अब जो है मार्केट का टाइमिंग वो 10 o'clock हो चुका है रात के। तो 5 बजे चले गए थे, तो आप आराम से हम 10 बजे तक उधर मॉल भी घूमते रह गए थे, तो अच्छा रह गया था। वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो अभी मैं आपके साथ इनका नाश्ते का जो है बुफे वो शेयर करने लगी हूँ, वो आप देखिएगा। तो चाय पी के तो खैर मार्केट चले गए, उसके बाद आपको मैं नेक्स्ट दिखाऊंगी। अब है नेक्स्ट मॉर्निंग, और इनका नाश्ते का टाइम हो चुका था, और वो था ऊपर 3rd फ्लोर पर। तो अब सुबह सुबह का टाइम है 8 बजे का, तो हम ऊपर जा रहे हैं। ये इनका 1st फ्लोर, और सामने वाली बिल्डिंग भी इस तरह से नज़र आती है, और इसी तरह सेकंड फ्लोर पे इनका जो था वो नाश्ते का डाइनिंग एरिया था। तो वहाँ पर चल के मैं आपको दिखाती हूँ। नाश्ता इनका बहुत ज़बरदस्त था, फ्रेश था, पराठे थे उसके अंदर, चने थे, और ऑमलेट था, और उसके साथ चाय जो थी वो थी मिक्स चाय जो होती है वो, और चीनी या लहसुन रखी हुई थी, और साथ में ब्रेड भी थी। ब्रेड के साथ उन्होंने टोस्टर एक दिया हुआ था कि आप मज़े से खुद ही जो है वो उसको ब्रेड को बना लें, और उसके साथ जैम और बटर उन्होंने साथ दिया था। ये देखिए जी, ये है इनका बफे हाल नाश्ते का। ये है चने, और सेकंड वन है पराठे, ये ऑमलेट है, और उसके साथ है पराठे।
तो कट करके इन्होंने पिज़्ज़ा स्टाइल में रखे हुए थे, जितना जो मर्ज़ी ले। तो बच्चों को बना के दे रहे हैं, और बच्चों को पहले दे के उसके बाद मैं खुद नाश्ता कर लूँगी। और चाय भी बहुत मज़े की इनकी थी, और पराठे भी बहुत अच्छे थे। और उसके बाद जो है बस हम नाश्ता एंजॉय करेंगे। तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और ब्लॉग एंजॉय करें।